छठ पूजा स्नान से पहले दिल्ली में यमुना नदी पर सफेद जहरीला झाग। समाचार एजेंसी एनएनआई के अनुसार दिल्ली के कालिंदी कुंज से झाग दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, इस साल छठ का पर्व 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में छठ पूजा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धालुओं के लिए साफ सुथरे पानी और घाटों का आश्वासन देने के बावजूद यमुना घाटों की ओर जहरीला झाग बहता हुआ देखा गया। ये याद किया जा सकता है कि केवल एक ही हफ्ते पहले केजरीवाल ने ट्विटर पर आश्वासन दिया था कि सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम ने नदी की सतह पर दिखने वाले जहरीले झाग को हटाने के लिए यमुना में रसायन का छिड़काव किया। ऐसे और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज 24 कोलकाता। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।